चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. Good morning and welcome to IFMC again. Myself Manish Taneja. और आज ट्रेडर सीरीज 9 हम लोग करेंगे यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज के ऊपर। एज सच आप सबको पता है कि हम लोग ने एक ट्रेडर सीरीज लॉन्च कर रखा है जिसके अंदर हम इंट्राडे के ऊपर ट्रेड्स लेते हैं, जिसका मोटिव बेसिकली यही है कि जो कस्टमर्स ऑलरेडी यूडीटीएस ले चुके हैं उन लोगों को कैसे प्रैक्टिस कराएं, और या फिर वो लोग जो व्यूअर जो हमारे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी हम लोगों को वॉच करते हैं उनको हम कैसे डिफरेंट तरीके से रोज़ जो मार्केट चेंज होता है रोज़ मार्केट में नई चीज़ आती है तो उनको हम बता पाएं। बेसिकली UDTS एक मैकेनिज़्म है, एक मैकेनिक्स है जिसके अनुसार अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप बेटर पोजीशन में रहते हैं, आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज बेटर रहती हैं। तो लेकिन किसी भी चीज़ को करने के बाद उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के हम किसी भी चीज़ को एक अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडर सीरीज 9 भी एक प्रैक्टिस सेशन है UDTS के ऊपर, और इसके अंदर हम कोई ना कोई टॉपिक ज़रूर कवर करते हैं हर बार ताकि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो आज का टॉपिक मैं यही रखूँगा कि नेवर बाय इन फॉलिंग मार्केट और नेवर सेल इन राइजिंग मार्केट। अगर कभी भी मार्केट गिर रहा है तो हमको उसमें स्टॉक्स को नहीं लेना है, अगर मार्केट गिर रहा है या मार्केट अगर बढ़ रहा है तो हमने उसको स्टॉक्स में को नहीं बेचना है। बेसिकली नॉर्मली 95% इसका उल्टा करते हैं लोग, इसीलिए 95% जो लोग हैं वो ज़्यादातर स्टॉक ट्रेडर्स में मतलब स्टॉक ट्रेडिंग में नुकसान में ही जाते हैं। हार्डली 4-5% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में कमा पाते हैं, क्योंकि अगर आपको मार्केट से कमाना है तो आपको अपनी मेंटालिटी बाकी लोगों से अलग रखनी पड़ेगी। तो जब कोई कहता है कि मार्केट गिर रही है, मार्केट काफ़ी गिर गई है, अब तो इससे नीचे नहीं जा सकता यार, बहुत नीचे आ गया, 10 रुपये की चीज़ 2 रुपये आ गई ले लो, नहीं ये गलत स्ट्रैटेजी है। तो खैर मैं अपना सेशन आगे बढ़ाऊंगा बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। आज हम ट्रेड करेंगे यूनिडायरेक्शनल के ऊपर, ट्रेड सीरीज 9 के ऊपर। आज मैं कुछ डिफरेंट लेने जा रहा हूँ, आज हम कमोडिटीज़ के ऊपर कुछ ट्रेड करेंगे। कुछ मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर हमको गोल्ड सिल्वर क्रूड के ऊपर ट्रेड करना है, तो क्या यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी जो है वो कमोडिटीज़ पे चलती है? तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल, यूनिडायरेक्शनल एक बेसिक स्ट्रैटेजी है, एक बेस है स्टॉक मार्केट का, जो स्टॉक मार्केट में भी चलता है, कमोडिटी में भी चलता है, करेंसी में भी चलता है, फॉरेक्स में भी चलता है, इवन आपकी डे टू डे लाइफ में भी चलता है। आप डे टू डे लाइफ को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर आपका कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस है आप उसको भी UDTS के हिसाब से आप उसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो। तो खैर मैं स्टार्ट करूँगा आज। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमारे चैनल्स को अभी रिसेंटली वॉच करना शुरू किया है। तो मैं UDTS का एक समराइज्ड आपको वो देना चाहूँगा ताकि हम आगे इसको क्लैरिफाई और बेटर वे में कर पाएँ। UDTS यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी के टोटल 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट मंथली, वीकली, डेली, ये तीनों ट्रेंड बुलिश होने चाहिए, राइट? ट्रेंड मैं अपने पहले लेक्चर्स में ट्रेडर सीरीज 1 से लेके ट्रेडर सीरीज 8 तक आपको बता चुका हूं व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं। बेसिकली मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो ये एक कैंडल है, ये कैंडल मंथ की भी कैंडल हो सकती है, ये कैंडल डे की भी हो सकती है, ये कैंडल 15 मिनट की भी हो सकती है,
तो कैंडल क्या शो करती है? अगर ये एक ग्रीन कैंडल है तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसका हाई प्राइस है, ये इसका लो प्राइस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये मंथ में के शुरू में 1 तारीख को यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, ये क्लोजिंग यानी कि 30 तारीख का क्लोजिंग प्राइस ये है। इस पूरे मंथ में ये किसी भी दिन एक पर्टिकुलर डे में यहाँ तक हाई गई और पूरे मंथ में यहाँ तक लो गई। तो एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है एक पर्टिकुलर इंटरवल का, चाहे वो मंथ हो, चाहे वो डे हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो 15 मिनट हो और चाहे वो आवर हो। तो केवल कैंडल्स के बेस के ऊपर यूनिडायरेक्शनल ट्रेड चलता है और हम इसके अंदर कोई टेक्निकल एनालिसिस के बड़े टूल्स या कंबरसम टूल्स को यूज नहीं करने वाले हैं। सिंपल वे, अगर एक रेड कैंडल है तो रेड कैंडल का इसी का वाइस वर्सा होगा कि एक मंथ के अंदर अगर ये मंथ की कैंडल है तो वो यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, यानी कि 1 तारीख का ये ओपन प्राइस है, 30 तारीख का ये क्लोज प्राइस है, ये इस मंथ के बीच में हाई यहाँ पर गया और इस मंथ में लो यहाँ पर गया, दैट्स इट। अगर आप एक बिल्कुल बिगनर ट्रेडर हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि अगर आपको नॉर्मल ट्रेडिंग आती है आपको और आपको पता है कि स्टॉक्स को कैसे लेना है और बेचना है तो UDTS आपको 70-75% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको बेटर जगह पे स्टैंड करता है एज ए ट्रेडर कि आपको बायर पोजीशन पे स्टैंड होना है या आपको बियर पोजीशन पे स्टैंड होना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम होमवर्क की ज़रूरत होती है। होमवर्क में हम ये ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कि कोई भी स्टॉक जिसको हम ट्रेड करने जा रहे हैं उसका मंथली, वीकली और डेली ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है हमारा कि जो सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट प्राइस होता है हमारा डेली का ओपन, सपोर्ट प्राइस ये है ओपन ऑफ डेली कैंडल, ये हम नोट करेंगे। अगर ये तीनों यूनिडायरेक्शनल हैं, मंथली, वीकली और डेली, और मंथली और सपोर्ट को हम नोट करेंगे, ये हमारा होमवर्क है। इस होमवर्क के बाद, ये होमवर्क हमारा एक दिन पहले रात को हो जाना चाहिए या जिस दिन हम ट्रेड ले रहे हैं उस दिन सुबह सुबह हो जाना चाहिए। आज की डेट मैं मेंशन कर देता हूँ, 3 सितंबर 2018 है। सबसे पहले आज जन्माष्टमी है, आप सब लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और कृष्ण जी का बर्थडे है, आज छुट्टी है, आप लोग सब इन्जॉय कर रहे हैं और हम लोग आज मार्केट खुला हुआ है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के साथ कुछ नया डिस्कस करने के लिए। और ट्रेडर सीरीज जो हमने लॉन्च किया था उसका रीज़न यही था कि मार्केट में रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, शायद वो हम एक लेक्चर में कभी नहीं सिखा सकते। तो हम जब ट्रेडर सीरीज़ में अलग अलग ट्रेड लेते हैं, कभी कमोडिटी पे लेते हैं या हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, तो हमको वो बहुत सारी चीज़ें मार्केट से सीखने को मिलती हैं जो हम आपको सिखा नहीं सकते हैं। मार्केट में ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं कि जहां वो सिचुएशंस आपको सीखने को मिलती हैं। एक एग्जांपल और दूंगा, मेरा बेटा है, उसको क्रिकेट का बड़ा शौक है, जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, पिछले 1-1.5 साल से जाता है। तो मैं पूछता हूँ, यार 1.5 साल हो गया तेरे को क्रिकेट खेलते हुए, अब क्या, रोज़ तो तुम जाते हो और मैं कई बार जाता हूँ तो देखता हूँ तुम्हारे सर जो है वो बॉलिंग कर रहे होते हैं और तुमको बैटिंग करा रहे होते हैं, तो क्या रोज़ एक ही काम करते हो? तो उसका ये आंसर था कि नहीं पापा, हर बॉल डिफरेंट है। और उसी से ये मैंने वर्ड सीखा कि हर बॉल डिफरेंट है, क्योंकि जब एक बॉलर बॉल करता है वो पूरे दिन में 100 बॉलें फेंकता है, 200 बॉलें फेंकता है, तब उसमें से जाके 2 या 3 विकेट ले पाता है। अगर वो बॉलर इतना अच्छा है, या मैं एग्जांपल फिर तेंदुलकर जी का देता हूँ कि अगर तेंदुलकर इतने अच्छे बैट्समैन है तो क्या वो हर बॉल पे चौका और हर बॉल पे छक्का क्यों नहीं मारते और किसी बॉल पे आउट भी हो जाते हैं? रीज़न यही है कि हर बॉल डिफरेंट है, ऐसे ही हर डे डिफरेंट है। जब हर दिन डिफरेंट है तो मैं इतनी सारी चीज़ों को आपको कैसे सिखा सकता हूँ एक आधे घंटे या 5 घंटे के लेक्चर में? हाँ, मैकेनिक्स और मशीन जरूर बनाई जा सकती है, एक मॉडल जरूर बनाया जा सकता है, वो मॉडल के ऊपर ही हम वर्क करेंगे, उस मॉडल से हम 1 इंच भी बिल्कुल नहीं हिलेंगे, उसी मॉडल के ऊपर काम करेंगे और डिफरेंट सिचुएशंस आती जाएंगी और हम
उनको जो है आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि सपोर्ट प्राइस हम नोट करेंगे, ये हमारा होमवर्क है। और उसके बाद ट्रेडिंग डे, आज ट्रेडिंग डे है 3 सितंबर, अभी टाइम हो गया 12:15 हो गए हैं। कमोडिटी के ऊपर हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे इंट्रा डे, और इसमें फिर लास्ट में 5 और 6 दो पॉइंट और आते हैं हमारे कि ट्रेडिंग डे में अगर ये तीनों यूनिडायरेक्शनल हैं तो शुरू का जो ट्रेंड है, यानी कि जो भी बिगेस्ट ट्रेंड मैं इसको बोलता हूं, बिगेस्ट इंट्रा डे ट्रेंड शुड बी अपवर्ड, पांचवी कंडीशन। और छठी कंडीशन कि सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस शुड बी अबव सपोर्ट प्राइस। ये 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशन में यूनिडायरेक्शनल आपको वो मशीन दे देता है कि जिससे आप गलती करने से बहुत ज्यादा बचोगे। तो ये आप लोगों ने देख लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं आज के ट्रेड के ऊपर। जिन लोगों को इनको डिटेल में समझना है वो हमारे वेबसाइट पे जाके यूनिडायरेक्शनल को सारे लेक्चर्स उसके पढ़ सकते हैं। बेसिकली यूनिडायरेक्शनल के अंदर 9 स्ट्रैटेजीज हैं, जिसमें एक इंट्राडे है और बाकी जो हैं वो हम पोजिशनल, शॉर्ट पोजिशनल और लॉन्ग पोजिशनल और अल्ट्रा लॉन्ग पोजिशनल, ये सारी स्ट्रैटेजीज हैं। क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट को हम एक दिन में देख नहीं सकते, तो हम नॉर्मली यहाँ पर इंट्राडे पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी कि आज हम क्या लेने जा रहे हैं। क्रूड, ये मैंने क्रूड का चार्ट लगाया है। सबसे पहले ये चार्ट है क्रूड का, और मेरे ख्याल में हम लोग फर्स्ट टाइम क्रूड के ऊपर ट्रेड करेंगे। तो करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो यूडीटीएस बताएगा, हम चेक करते हैं इसको। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है क्रूड का, मंथली में बुलिश, बुलिश और अगेन बुलिश। तो अगर मैं क्रूड को देखूं, क्रूड पे मंथली हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश है। मैं इसका वीकली ट्रेंड देखता हूं, वीकली ट्रेंड आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, रेड के ऊपर ग्रीन बना हुआ है, वीकली ट्रेंड बुलिश है। डेली ट्रेंड रेड के ऊपर ग्रीन बना बुलिश, यहां भी बुलिश, ये रेड ग्रीन के नीचे नहीं जा पाया तो अगेन बुलिश। ये कैंडल आज की है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यूडीटीएस क्या कहता है कि हमको डेली में आज का नहीं करना है, हमें प्रीवियस डे का ही करना है। तो अगर मैं देखूं डेली ट्रेंड भी बुलिश है यहां तक, और मुझे पता ही नहीं है आज के कैंडल बनेगी क्या, तो मैं उसको कहां से कंसिडर करूंगा। तो मेरा मंथली वीकली डेली बुलिश है। अगर ये बुलिश है तो मैं इसका सपोर्ट प्राइस नोट करूंगा, जो कि सपोर्ट प्राइस होगा लास्ट ग्रीन। ये देखिए रीजन, ये एक और सामने आया कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप ही के क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलते हैं। तो यहां हम सपोर्ट प्राइस इसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। प्रीवियस अगर बुलिश ट्रेंड है तो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का ओपन, यानी कि इसका ओपन क्या है 4938, तो सपोर्ट प्राइस इज 4938, नॉट दिस वन। क्लियर? ये कमेंट्स आते हैं आपके YouTube पे कि सर प्रीवियस डे तो रेड है, तो कोई बात नहीं, अगर प्रीवियस डे रेड, कितनी भी रेड हो, अगर बुलिश ट्रेंड है तो कितनी भी रेड हो, हमें प्रीवियस ग्रीन का ही, जो भी लास्ट ग्रीन कैंडल है उसका ओपन प्राइस हमारा सपोर्ट प्राइस है। तो ये हमारा होमवर्क डन हो गया। अब मैं इंट्राडे पे जा रहा हूं इसको, ये मेरा इंट्राडे चार्ट है, मैं बड़ा करता हूं। देखिए ये इंट्राडे चार्ट, पहला 15 मिनट और ये 45 मिनट्स। अगर मैं ये ट्रेंड देखूं तो ये ट्रेंड बन गया बियरिश। हमारा मंथली वीकली और डेली अपवर्ड है, और हमको ट्रेड जो है 4938 के ऊपर लेना है। अभी अप्रॉक्सीमेटली यहां पर ये रेट चल रहा है 4934 के आसपास, ये कहीं ट्रेड हो रहा है। हमारी कंडीशन कब मैच होएगी, जब हमारा इंट्राडे ट्रेड यानी के बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड शुड बी अपवर्ड, जो कि अभी तक नहीं है। और छठा पॉइंट क्या था कि सीएमपी शुड बी अबव सपोर्ट प्राइस, यानी कि 4938, सपोर्ट प्राइस 4938 के ऊपर होना चाहिए, जो अभी नहीं है। अगर मैं यहां पर भी देखूं थर्ड कैंडल पे
4934 है यहां पर, राइट। तो अब क्या करना है, मंथली वीकली डेली अप है, सपोर्ट प्राइस 49438 के ऊपर ही ट्रेड लेना है और इंट्राडे बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड बुलिश होना चाहिए। अगर मैं अभी 12 बजे हैं, ये 12 बजे हैं, लाइव ट्रेड चल रहा है, रात तक मार्केट चलेगी, मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी अगर मैं देखूं तो बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड क्या है, पहली हम इसकी बात कर रहे हैं, ये अपवर्ड होना चाहिए, जो कि अभी डाउनवर्ड है। क्यों? क्योंकि ये यहां से गिरना शुरू हुआ और यहां तक गिरा, डाउन 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 डाउन, यानी कि ये ओपन प्राइस कितना है, 4938, दिस इज 4938, और ये क्लोज क्या है, 4933। कितना डिफरेंस हुआ, 38 में से 33 गए 5, यानी कि 5 रुपए का बियरिश ट्रेंड है अभी तक सबसे बड़ा। और बुलिश ट्रेंड, बिगेस्ट बुलिश ट्रेंड अगर मैं देखूं तो मुझे अभी तक ये वाला नजर आया था, जो कि ये 5 रुपए से कम है, या अब बन रहा है जो यहां से शुरू हो रहा है यहां तक गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये 5 रुपए से ज्यादा जाएगा कि नहीं। और 5 रुपए से ज्यादा जब ही जाएगा जब ये यहां से इस, अब ये देखिए ये प्राइस क्या है ऊपर, 4928 है ये प्राइस 4928 है। अगर ये इस प्राइस को क्रॉस कर गया ग्रीन कैंडल के साथ, 4939 कर देता है मान लो, तो ये ट्रेंड 4928 से लेके 39, यानी कि 11 रुपए का बुल ट्रेंड बन जाएगा। यानी कि इंट्राडे ट्रेड में जो बुलिश ट्रेंड है वो बियरिश ट्रेंड से बड़ा हो जाएगा और हमारे इससे मैच कर जाएगा, क्लियर। तो अभी मुझे ट्रेड नहीं लेना है, मैं इसमें वेट करूंगा। इसको हम एंटीसिपेटरी कॉल्स बोलते हैं, एंटीसिपेटरी मतलब हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि अगर, देखिए फिर वही बात कि एक नई चीज सीखने को मिल रही है कि मॉडल हमको ये कहता है कि ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए, मार्केट अपने हिसाब से चल रही है और वो कब हमारे मॉडल में जाके फिट हो जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो मेरे मॉडल में फिट हो जाएगी मुझे ट्रेड में एंटर करना है। टॉपिक ऑफ द डे को भी लूंगा कि हमेशा बढ़ती हुई मार्केट में ही लेना है और गिरती हुई मार्केट में बेचना है, या आप इसको उल्टा बोल लीजिए कि बढ़ती हुई मार्केट में बेचना नहीं है और गिरती हुई मार्केट में लेना नहीं है। तो अब यहां क्या हो रहा है, मार्केट अभी गिर रही है, मुझे नहीं लेना। मार्केट अगर ये बढ़ जाती है तो बुलिश ट्रेंड हो जाएगा, मंथली वीकली डेली सपोर्ट के भी ऊपर और इंट्राडे में भी बुलिश, तो बढ़ती मार्केट में लेना है, यानी कि हमको तभी स्टॉक लेना है जब वो बढ़ रहा है। एज ए ट्रेडर की बात कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये ट्रेडर सीरीज है, कंफ्यूज आप लोग ना हो। ट्रेडर हमेशा बढ़ते में लेगा और गिरते में बेचेगा, तभी उसको चांसेस ज्यादा बेटर हैं प्रॉफिट्स के। तो आगे चलते हैं, तो अब एंटीसिपेटरी की बात कर रहे हैं, मैं इसको नोट करूंगा इस प्राइस के ऊपर, ये प्राइस जो भी है, ये प्राइस हमने देखा था 4938 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनते ही मुझे इसमें एंटर करना है। ऑलमोस्ट अभी जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 4934, केवल 4 रुपए दूर है, तो मैं बैठूंगा और या एक काम कर सकता हूं कि मैं 4938 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा सकता हूं। अब बात आती है कि सर स्टॉप लॉस तो जब ही लगता है कि जब कोई स्टॉक लिया हुआ हो और उसके लॉसेस को कट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ऐसा बिल्कुल सही है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि अगर मुझे ये पता है कि ये एंटीसिपेटरी कॉल है और मुझे क्रूड को बाय करना है, पहले तो एज ए ट्रेडर मुझे पता है कि आज मुझे क्रूड लेना है, मुझे क्रूड को बेचना नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा सब कुछ बुलिश है, केवल ये दो चीजें मैच नहीं हो रही है, मैच होते ही मैं इसमें बुलिश ट्रेड लूंगा। तो क्रूड मुझे लेना है, कब लेना है, जब वो 4938 के ऊपर जाएगा,
अबव 4938 के ऊपर मुझे क्रूड लेना है। जैसे ही कोई 15 मिनट की कैंडल 4938 के ऊपर बन जाएगी, मेरे सारे कंडीशंस पूरे हो जाएंगे, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश 4938 के ऊपर भी आ जाएगा वो उस समय, और बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड भी उसका बुलिश हो जाएगा। तो ये सारे के सारे मेरे पॉइंट्स यूडीटीएस के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। पूरे होते ही मुझे इस ट्रेड में एंटर करना है। देखते हैं आगे, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें मार्केट के हिसाब से चलना है। लेट्स सी कि ये ट्रेड कब बनेगा। हम इसी पार्ट को अगले पार्ट के साथ, पूरे दिन की ट्रेड के साथ जोड़ते हुए आपको इसी वीडियो में आपको लास्ट में अटैच करके भी दिखाएंगे। आप इसको अभी नोट कर सकते हैं, ये 12 बजे तक हमने अभी तक ये हमने प्रेडिक्शन करी है कि हम 4938 के ऊपर अगर ये जाएगा तो हम इसमें ट्रेड में एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड ले रहा हूं। तो अभी तक हमने यूडीटीएस के ऊपर क्रूड ऑयल को के चार्ट्स को देखा और उसमें एक एंटीसिपेटरी कॉल जनरेट करी है, और 4938 के ऊपर अगर वो जाता है तो हमें उसके अंदर एंटर करना है। हम नेक्स्ट कमोडिटी लेने जा रहे हैं कॉपर, ठीक है। तो कॉपर में सबसे पहले मैं मंथली चार्ट लगाता हूं। ये कॉपर का मंथली चार्ट है। अगर मैं देखूं तो ग्रीन के नीचे रेड, मंथली ट्रेंड इज बियरिश, वीकली और डेली मैं चेक करने जा रहा हूं। वीकली ट्रेंड, एक और अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को कुछ साउंड की प्रॉब्लम होती थी तो अब माइक भी लग गया है, तो शायद अब आपकी जो इस वीडियो में वॉइस की प्रॉब्लम थी वो भी खत्म होएगी। अच्छा, वीकली हमने ये देखा डाउन, ग्रीन के नीचे रेड डाउन, ये ग्रीन ऊपर नहीं जा पाई तो फिर ये डाउन और ये भी डाउन, तो वीकली ट्रेंड इज डाउन। अब मैं डेली ट्रेंड पे जा रहा हूं, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश, डेली, डेली का ट्रेंड क्या आ रहा है। डेली ये कल की कैंडल है, ये आज की कैंडल है, कल की कैंडल ने इसको बियरिश बना दिया था, तो अगेन डेली इज बियरिश, क्लियर। अब डेली अगर बियरिश है तो हमें इसका सपोर्ट प्राइस नोट करना है। सपोर्ट प्राइस होगा प्रीवियस रेड का ओपन, जो कि है 421.10 रुपए, ये प्राइस 421.10 रुपए सपोर्ट है। अब मेरे इंट्राडे के दो पैरामीटर्स मुझे चेक करने हैं। मैं जा रहा हूं इंट्राडे पे, ये इंट्राडे चार्ट है हमारा, ये देखिए ओपन 422.95 है ये प्राइस, 422.95 पे ओपन हुआ और उसके बाद बेयरिश बेयरिश बेयरिश, ये डाउनवर्ड है। अगर मुझे यहां ट्रेड लेना है, और अगर क्या लेना है, लेना ही है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेंड बेयरिश है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 422.95, और अभी क्या रेट चल रहा है देखिए। और यहां पर देखते हैं कि ये वाली जो कैंडल है, ये देखिए ब्यूटी ऑफ यूडीटीएस, देखिए मैं इसको एक बार दोबारा दिखाता हूं। मैंने आपको जैसे बताया कि हमको हर दिन नया मिलता है, हर बॉल नहीं है, नया कुछ सीखने को मिल रहा है। आज आप लोग बहुत लकी हैं, कुछ ना कुछ अच्छी, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखने को आपको मिलती हैं जब हम लाइव ट्रेड करते हैं। देखिए पहली कैंडल ओपन 422.95, मैं लिख देता हूं 422.95, क्लोज 421.80, डाउनवर्ड मूवमेंट। फर्स्ट 45 मिनट का ट्रेंड डाउनवर्ड। अगर मैं यहां एक सेल का ट्रेड लेता हूं तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस बनेगा 422.95। हम यहां पर लेते हैं ट्रेड, 421.90 का प्राइस था ये वाला, तो मेरे यहां पर ही सारी पोजीशंस क्लियर हो गई, सारे पैरामीटर्स यूडीटीएस के क्लियर हो गए कि मंथली भी डाउन था, वीकली डाउन, डेली डाउन, इंट्राडे डाउन, और सपोर्ट प्राइस क्या था, 421.10 का हमारा सपोर्ट प्राइस था ये वाला, ठीक 421.10 के नीचे ही मुझे ये बेचना है। और इंट्राडे में क्या रेट है, ये यहां पर
421.35 रुपए। देखिए ये 21.90 और 21.35 के बीच में रेट है, हमें 21.10 रुपए हमारा जो सपोर्ट प्राइस है इसके नीचे ही बेचना है। एक चीज आपने जज करी कि ये सपोर्ट प्राइस से नीचे नहीं जा पाया, अगर चला जाता तो मेरा एक सेल का ट्रेड बन रहा था। यहां मेरी 5 कंडीशंस मैच हो गई थी, मंथली बेयरिश, वीकली बेयरिश, डेली बेयरिश और इंट्राडे भी बेयरिश, लेकिन छठी कंडीशन क्या थी कि सीएमपी शुड बी लोअर देन सपोर्ट एंड सपोर्ट वॉज 421.10 रुपए। तो मेरी छठी कंडीशन मैच नहीं हो रही थी तो मुझे यूडीटीएस ने मना कर दिया कि मुझे ये ट्रेड अभी सेल का नहीं लेना, यहां पर मैं ट्रेड ले सकता था लेकिन नहीं लेना। अब इसके अंदर अगेन फिर से एक एंटीसिपेटरी कॉल जेनरेटेड है कि अगर अब ये प्राइस के नीचे कोई भी रेड कैंडल बन जाती है पूरे दिन में तो मैं इसमें एक सेल ट्रेड लूंगा। तो मैं इसको नोट करता हूं, माइनस कॉपर बिलो 421.10। तो अभी तक हमने क्रूड और कॉपर दोनों को यूडीटीएस पे लगाया, दोनों में ही अभी तक यूडीटीएस में ये दोनों फिट नहीं हो रहे हैं, एंटीसिपेटरी कॉल्स बन चुकी हैं। लेट्स सी कि हम इसके अंदर हमको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं को, इसी सेशन को हम दोबारा अगले पार्ट में आगे बढ़ाएंगे, आप लोग को इसी वीडियो में ये देखने को मिलेगा। इस समय अब हम लोगों ने कमोडिटीज में आज जो ट्रेड लिए हैं सुबह, हमने क्रूड को देखा था और कॉपर को देखा था। क्रूड में हमने एक एंटीसिपेटरी कॉल जनरेट किया था, 4938 के ऊपर हमको लेना था। कॉपर में हमने एक एंटीसिपेटरी कॉल सेल का जनरेट किया था, 42110 के नीचे हमको सेल करना था। उस समय हमारा जो टाइम था वो करीब 12:15 बजे हमने ये सेशन क्लोज किया था। अब हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, 3:10 हैं अभी, तो ये टाइम अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर 2:40। अब 2:40 PM पर हम एक बार चेक करते हैं कि हम किस पोजीशंस पे हैं और लाइव मार्केट चल रही है, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्रूड का चार्ट लगाया हुआ है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए हमने क्रूड को लेना था 49.38 के ऊपर, यानी कि ये वाले प्राइस के ऊपर हमारा सुबह सेल सिग्नल बना हुआ था 4938 के नीचे, ये सेल था और हमने ये सोचा था कि 4938 के ऊपर अगर हमारी एक भी ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हम इस ट्रेड में एंटर करेंगे, ये हमने एंटीसिपेशन किया था। जो हुआ जाके करीब करीब 12:30 बजे, ये सेशन हमने अप्रॉक्सीमेटली 12:15 के आसपास किया था, 12:30 मिनट पे अगली ही जो कैंडल ने हमको वो क्लियर पिक्चर दे दी कि इंट्राडे जो ट्रेड है, जो इंट्राडे ट्रेंड है, जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक, ये बिगेस्ट इंट्राडे ट्रेंड हो गया, इस बेयर ट्रेंड से बड़ा ट्रेंड हो गया। तो इंट्राडे ट्रेंड जैसे ही चेंज हुआ, हमारा मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे ये सारे ट्रेंड हमारे यूनिडायरेक्शनल हो गए, एक ही डायरेक्शन में हो गए और हमने यहां पर ट्रेड लिया इस कैंडल के ऊपर और ये कैंडल का रेट है 4940 जो कि इस प्राइस के ऊपर, इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डाल के भी रख सकते थे 39 के ऊपर, तो 4938, 4940, 41, 44 कहीं भी 2-3-4 रुपए ऊपर नीचे आप अपना ट्रेड यहां सब यहां पर ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है, हम अप्रॉक्सीमेटली अभी तक 4964 तक का हाई देख चुके हैं। जब हमने यहां ट्रेड लिया था तो हमारा स्टॉप लॉस ये था, यहां से बढ़ना शुरू हुआ था, हमारा ये स्टॉप लॉस था
4928, हमने ट्रेड लिया अपना 4940 में, हमने क्रूड लिया विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4928 और अब ऑलमोस्ट ये 4964 पे चल रहा है और 3:15 बज चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जन्माष्टमी का दिन है और हो सकता है आप लोगों को भी जल्दी जाना है और हमको भी जल्दी जाना है, तो हम चाहें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर हम इंट्राडे ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, नहीं तो आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं रात तक के लिए। तो रात को ऑब्वियसली हम सब लोग बिजी हो जाएंगे और एक फेस्टिव माहौल होगा, तो शाम को हम इसको देख नहीं पाएंगे। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं शाम का वीडियो भी इसके साथ अपलोड करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आईटी वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम का भी वीडियो हम इसमें डाल पाएं, लेकिन अगर हम आज नहीं डाल पाएं क्योंकि ऑफिस आवर्स आज 4:30 बजे हम लोग यहाँ से जाएंगे, लीव करेंगे, तो अभी के लिए हम अगर देखें तो क्रूड में हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। ऑलमोस्ट 24 रुपीस का हम प्रॉफिट ले चुके हैं। कितनी देर में, हमने करीब 12:30 बजे ये ट्रेड लिया और अब करीब 12:30 ऑलमोस्ट 2.25 घंटे के अंदर हम 24 रुपये क्रूड में प्लस में हैं। अभी हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, नहीं काटना चाहें तो हम वेट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि शाम तक, आज रात के एंड तक मैं इसको, और हम लोग देखेंगे कि क्रूड का क्या होगा लास्ट में। अब हम अगला अपना ट्रेड लेते हैं एक बार। ये लाइव ट्रेड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है कि हमने कुछ क्रिएट किया है। कैंडल्स आपके सामने हैं, डेट टाइम आपके सामने है और UDTS मॉडल के हिसाब से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला कि UDTS एक मशीन है और वो मशीन आपको बहुत सारी गलतियों से बचाती है, ठीक है। तो पहली गलती से इसने हमको बचाया कि हमने क्रूड को किसी भी हाल में सेल नहीं किया, क्योंकि हमको UDTS ये कह रहा था कि हमें इसको हर हालत में बाय ही करना है, और बाय करने के सारे पैरामीटर्स पूरे होते ही हमने इसको बाय किया और हमने अपने प्रॉफिट्स की प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाया और नो डाउट हमको प्रॉफिट आया भी। अब मैं अपना अगला स्टॉक लेता हूं, कॉपर। ये कॉपर का चार्ट है। हमने कॉपर में आपको बताया था कि हमको केवल सेल करना है। UDTS ने बोला था, UDTS मॉडल ने बोला था कि कॉपर को केवल सेल ही करना है, बाय तो हमें करना ही नहीं है। लेकिन सेल करने के लिए एक कंडीशन लगाई थी कि 421.010 के नीचे ही सेल करना है। तो वो पॉइंट था, मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला पॉइंट 421.90 था और हमको सेल करना है 421.10 के नीचे। अब आप देखें पूरे दिन में अभी तक करीब 2:45 हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई भी ट्रेड इसके अंदर नहीं बनता है। अगर आगे बना शाम को तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, शायद वो मुझे अपने घर से ही वीडियो शायद डालना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि रात को ट्रेड होता है और कॉमोडिटीज़ की यही दिक्कत होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाते हैं क्योंकि ये मार्केट रात को लेट नाइट चलती है। और लेकिन क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि नहीं कॉमोडिटी वीडियो डालना है, और हमारी जो टीम है उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि नहीं सर किसी तरह डालना है, तो हम डाल रहे हैं। लेट्स सी कि इसके आगे क्या होता है। अभी तक का हमारा जो एक रिजल्ट निकल रहा है वो ये है कि अभी तक कॉपर में हमारा कोई ट्रेड नहीं बना है, क्रूड में हमारा ट्रेड बन चुका है और हम उसको प्लस कर चुके हैं 4940 पर, और अभी करीब 4964 वो चल रहा है। शाम को क्या होगा वो हम शायद अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, ये अब हमारा जो सुबह का सेशन था कमोडिटी ट्रेडिंग का, उसको हम लास्ट पार्ट शूट कर रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं और हमने सुबह जो दो ट्रेड लिए थे, एक कॉपर और एक क्रूड, कॉपर में हमारा ट्रेड नहीं बना था टिल 2:30 बजे तक जब हमने देखा था, तो
उस केवल हमारा क्रूड में ट्रेडिंग बना था और हमने क्रूड को बाइंग किया था, और उस समय क्रूड मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा 4938 के ऊपर हमने 4940 ये वाली कैंडल के ऊपर हमने ट्रेड लिया था, और करीब 2:45 इसका जो प्राइस था वो था करीब यहाँ पर इस वाली कैंडल के ऊपर जो था अप्रॉक्सीमेटली 4960। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्योंकि फेस्टिव डे था तो अगर किसी को काटना है जल्दी है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकता है, नहीं तो हम शाम तक वेट कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट 8:30 बज चुके हैं, ये उसकी आगे की कैंडल्स बन चुकी हैं, ये मैं आपको रेट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ टाइम दिखा रहा हूँ, ये टाइम आ रहा है 8:30 और अब ये आगे की कैंडल्स बन चुकी हैं। और अगर मैं ये देखूँ कि अभी तक ये टॉप जो है वो यहाँ लग चुका है 4997, यानी कि हमने जो ट्रेड लिया था 4940 में उसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपीज क्रूड में हमको प्रॉफिट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो अभी भी काट सकते हैं, और अगर आप वेट करना चाहें, इंट्राडे अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इंट्राडे चालू रहेगा 12 बजे तक, क्रूड का जो प्राइस है वो मूवमेंट होता रहेगा, लेकिन एज पर UDTS हम 1% और 2% की वेट करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक 1% और 1.5% की एक अच्छी खासी रिटर्न आपको एक दिन के अंदर मिल गई है, और जो चीज़ हमने 4942 में ली और 4928 का स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली हमने उसका 15 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, और उसके वर्सेस हमको अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक जेन्युइन प्रॉफिट है, हमको काट के इसको बुक करना चाहिए, या अगर आपके पास डबल पोजीशन है, आपके पास दो लॉट हैं, तो आप एक लॉट को जरूर काट सकते हैं और एक लॉट को बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि इसके बाद हम ये लास्ट सेशन करेंगे, 12 बजे का हम शूट नहीं कर पाएंगे। हाँ, आज की डेट मैं आपको बता चुका हूँ, जन्माष्टमी का दिन है और 3rd of September है, आज का 12 बजे क्या होगा वो आप लोग अपने आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक आज का अच्छा सेशन रहा, हम लोगों ने देखा कि UDTS के ऊपर आज हमने दो ट्रेड देखे थे जो सुबह के समय दोनों ट्रेड नहीं बन रहे थे, ना कॉपर का ट्रेड बन रहा था और ना क्रूड का ट्रेड बन रहा था, लेकिन क्रूड में और कॉपर में दोनों में ही हमने एक एंटीसिपेटरी कॉल जनरेट करी थी, और एंटीसिपेटरी कॉल भी आज आपको समझ में आ गई कि अगर हमारा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है UDTS मॉडल के अंदर, और क्योंकि मार्केट तो चलती रहती है, अगर मार्केट आगे बढ़ती है और बीच में किसी भी टाइम पे UDTS मॉडल के ऊपर अगर वो हमारा ट्रेड फिट हो जाता है जैसे कि आज क्रूड का हुआ, तो भी हम बीच में एंट्री ले सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं था कि हमें फर्स्ट 45 मिनट्स में ही एंट्री लेनी है। हाँ, अगर 45 मिनट्स में आपको मॉडल अलाउ कर रहा है तो आप जरूर एंट्री लीजिए, अगर आपको मॉडल अलाउ नहीं कर रहा है तो आप बिल्कुल एंट्री मत लीजिए और राइट टाइम का वेट करिए। मेरे को एक अच्छी चीज़ यहाँ पर याद आ रही है तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि UDTS जब हम शूट कर रहे थे तो उसमें एक लेसन में, एक चैप्टर में मैंने ज़रूर एक आप लोगों को बताया था कि एक लॉयन जो है वो किस तरह से अपने शिकार को पकड़ता है, वो उसके लिए पूरी प्लानिंग करता है, और कभी कभी अगर शिकार उसकी रेंज में नहीं है और वो बहुत दूर है तो वो बहुत देर तक घात लगाता है और पेशेंटली उसको वेट करता है, और जब वो शिकार उसकी रेंज में आता है तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है ताकि वो अपनी एनर्जीज को खत्म ना कर पाए, अपनी एनर्जीज को वेस्ट ना कर पाए। तो आज का एग्जांपल उसी लॉयन का है कि हमने सुबह जब 10 बजे मार्केट खुली यहां पर तो हमने ट्रेड नहीं लिया, और क्योंकि ये ट्रेड जो है वो बेयरिश ट्रेड था, मुझे बेयरिश ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, और मैंने वेट किया पूरे दिन, और एक और मुझे ये टाइम जाके 12:15 की कैंडल के ऊपर मुझे इस वाली कैंडल ने ये शो किया कि हाँ अब मेरा शिकार मेरे बहुत क्लोज है और मुझे अब उसको ट्रैप करना चाहिए, और मैंने उसको पकड़ा विद फुल कॉन्फिडेंस लेकिन विद स्टॉप लॉस, क्योंकि स्टॉप लॉस हमको एक ट्रेडर को जरूर रखना है, क्योंकि मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी,
हमको मार्केट के हिसाब से चलना है। मेरे ख्याल में आज का सेशन बहुत अच्छा है। हाँ, एक मिनट आप रुके, मैं एक बार कॉपर को और देखना चाहूंगा, जो हमारा सुबह का एंटिसिपेटरी कॉल थी कि कॉपर का क्या हुआ। ये कॉपर का ट्रेड है, अब आप देखिए UDTS कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है, वो आपको ये लाइव ट्रेड दिखा रहा है। ये थर्ड कैंडल का जो ओपन प्राइस है 421.90 रुपए, ये और कल का जो सपोर्ट प्राइस था, मैं एक बार दिखा देता हूं, मुझे याद है 421.10 रुपए, मैं फिर भी दिखा देता हूं। ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल का लास्ट ट्रेड का ओपन ये आ रहा है 421.10 रुपए, और 421.10 रुपए के नीचे ही हमको ट्रेड सेल करना था। ये एक सेल का ट्रेड था और मैंने इसके अंदर एक एंटीसिपेटरी कॉल ली थी कि अगर 421.10 रुपए के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल, रेड कैंडल अगर बनती है, तो मैं कॉपर के ट्रेड में भी ऐसे ही इनिशिएट करता जैसे मैंने क्रूड में बाय करके किया, और ऐसे ही मैं कॉपर को सेल करके करता। लेकिन आप देख रहे हैं ये सुबह 10 बजे की कैंडल से लेके और अभी शाम को 8:30 बजे की कैंडल तक ये अभी भी 424 रुपए का भाव है। पूरे दिन 421.10 रुपए के नीचे नहीं आया, तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं बना, UDTS मॉडल के अंदर ये फिट नहीं हुआ। तो थैंक यू व्यूअर्स, मुझे आज खुशी हुई कि एक अच्छा सेशन हमको देखने को मिला और इस सेशन के अंदर हमारे को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी IFMC द्वारा कराया जाने वाला सबसे पसंदीदा कोर्स है, जिसकी क्लासेस हर महीने के 4th सैटरडे को दिल्ली में करवाई जाती है। क्लासरूम कोर्स का चार्ज 6,300 है। ये एक दिन की वर्कशॉप है। लोगों के रिक्वेस्ट पर IFMC ने यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी का ऑनलाइन लेक्चर भी तैयार किया है, जिसका चार्ज 3,600 है। जो लोग समय के अभाव में दिल्ली नहीं आ सकते, वो इस कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ऑनलाइन लेने के लिए लॉग ऑन करें www.ifmcinstitute.com पर या YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें 9810216889, 9810260089।